बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स इस वजह से परेशान हैं कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे उनका पेपर पैटर्न क्या होगा। पेपर पैटर्न तो वैसे यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर दिए हुए हैं, लेकिन जो ऑनलाइन चीज़ें हैं यानी ऑनलाइन जो प्रैक्टिस है वो स्टूडेंट्स की नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जो ऑनलाइन पूरा सिस्टम होता है वो आपको समझा दिया जाए, और आपको एक मैं चैनल भी बताऊँगा जिसके ऊपर जाके आप ये सारी MCQs हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी आपको वहाँ पर MCQs टाइप पेपर बने बनाए मिलेंगे और आप उनको जस्ट आपने ऑनलाइन खोल के सॉल्व करते जाना है। जैसे आपने यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है वैसे बिल्कुल एक पैटर्न आपको मिलेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी, साथ साथ आपको नॉलेज भी मिलेगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ शेयर करता हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी होती है। तो आप अगर मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। तो BA BSc के जो स्टूडेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो लाजमी इसको देखें, क्योंकि इसी तरह का पेपर आपको ऑनलाइन आपको देना होगा अगर यूनिवर्सिटी आपका ऑनलाइन एग्जाम्स लेती है। याद रहे 22 जुलाई को यूनिवर्सिटी ने तो वैसे ऐलान किया हुआ है कि हम ऑनलाइन एग्जाम्स लेंगे। अगर इस प्रोग्राम के अंदर उनके इस फैसले के अंदर कोई रद्दोबदल ना हुआ तो आपका 22 जुलाई को ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो लिहाजा उसकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा वो किस तरीके से हो सकता है, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। उसमें ये होगा कि एक तो आपके MCQs हो सकते हैं, यानी बिल्कुल जैसे आप ऑनलाइन कोई चीज कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करते जाते हैं, वो सिलेक्ट होते जाते हैं, इसी तरीके से होगा। दूसरे उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन भी शामिल हो सकते हैं जो कि जिनका कोई एक दो वर्ड्स का आपने आंसर देना होगा, लेकिन उसमें अगर चूंकि स्टूडेंट्स जो हैं इस लेवल पर इतने नहीं होते एक्सपर्ट कंप्यूटर के, उनकी टाइपिंग एरर भी हो सकती है, स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, तो ज्यादा जो चांसेज हैं वो हैं कि 100% आपको MCQs टाइप ही पेपर देना होगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स इसके एडिशनल इसके एक्स्ट्रा भी दे सकती हैं, जो आप फिल करके तो उसको वापस जो है यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन अपलोड करेंगे, तो इस तरह का भी सिस्टम हो सकता है। चलें स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ वो चैनल जहाँ पर आप इस सारी चीज़ों की तैयारी करेंगे। BA BSc के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को लाजमी विजिट करें और वहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जाम्स की एक जो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगी, डेमो मिलेगा, यानी आप वहाँ पर सॉल्व करेंगे सारा कुछ। स्टूडेंट्स, उस चैनल का नाम है नॉलेज टाइम और उसका आपको मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जाएंगे तो वहां ये चीज़ें आपको मिलेंगी कि एक तो आपके ऑनलाइन MCQs का टेस्ट होगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसकी कोई कीमत नहीं है। उनके जो वीडियो ट्यूटोरियल्स भी हैं वो भी आपको इस हवाले से गाइड कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत मेहनत करके ये मेरा दोस्त है, इसने बहुत मेहनत के साथ ये सारा सिस्टम बनाया और अभी बनाया है कुछ दिन पहले, और ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स कैसे होंगे, किस तरह के MCQs आएंगे, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये चैनल जो है वो बनाया गया है, और इनके इसके अंदर ये सारे जो MCQs हैं वो शामिल किए गए हैं। बहुत ज्यादा टेस्ट हैं जो आप दे सकते हैं ऑनलाइन, तो ये आपको मार्क्स भी साथ साथ पता चलता रहेगा मेरे कितने कोई गलत हुए हैं कितने सही हुए हैं, और जो गलत हुए हैं उनकी सही ऑप्शन क्या थी, ये सारी सहूलतें और ये सारा कुछ फ्री है। तो आपसे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इस तरह की ऑनलाइन एग्जाम्स की तो वहाँ जाएं, वो बेस्ट चीज़ है। तो नॉलेज टाइम है उस चैनल का नाम और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके उसकी वीडियो देखें, ट्यूटोरियल देखें, वहाँ पर क्लिक करके उनकी वेबसाइट का वो पूरा ओपन करके पेज आप टेस्ट भी दें, आप अपने मार्क्स भी देखेंगे, गलतियाँ भी आपको पता चलेंगी, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ऑनलाइन एग्जाम देने की, दूसरा आपको नॉलेज भी मिलेगा कि कौन से MCQs का क्या आंसर है, तो यूनिवर्सिटी के पेपर में भी वो आ सकता है। तो आपके लिए ये बेस्ट चीज है कि आप वहां जाएं। लास्ट में स्टूडेंट्स, फिर वही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की मालूमाती वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जैसे मेरे पास कोई नई इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।